वेलकम माई वेरी वेरी प्रीशियस लिब्रास. कैसे हैं आप सब लिब्रास? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में लिब्रास. और ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग है आपकी जून मंथ की बोनस रीडिंग. तो आपकी मेन रीडिंग ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ लिब्रास, और आपने देखी नहीं है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं. और ये बोनस है. ओके, सो जैसे कि हम सारी रीडिंग्स में करते हैं, इस रीडिंग में भी सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए प्रेडिक्शंस करेंगे. ये देखेंगे कि आप किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं. उसके बाद आपकी करंट सिचुएशन के लिए हम यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस लेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए. और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे लिब्रास. और जैसे कि आप में से मैक्सिमम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ये मंथ गिव अवे का मंथ है, और अगर आप में से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ. इस मंथ में दो लोगों को फ्री रीडिंग गिव अवे करने वाली हूँ. तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना पूरा नाम लिखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखिए. ओके, सो मैं दो तीन दिनों में ही अनाउंस करने वाली हूँ कि जून मंथ के विनर्स कौन है फ्री रीडिंग के लिए. सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या एनर्जीज है आपकी. आज ऐसा लग रहा है कि कैमरा सेटअप का एंगल थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आई होप कि आप मैनेज कर लेंगे. यू नो ओप्स, चलिए देखते हैं. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे कहे हुए हर एक वर्ड से आप रिलेट कर पाएँ, पर हाँ जो मैसेजेस आपके लिए होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे लिब्रास. ओके, जो आपके लिए नहीं है उन मैसेजेस को छोड़ दीजिए. फर्स्ट कार्ड वी हैव इज पेज ऑफ सोर्ट्स. ओके, टेन ऑफ पेंटिकल, नाइस. जस्टिस, ओ ये कौन है पता है आपको? ये आप हैं लिब्रास. ये यहाँ पे कौन है? कोई किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में दिख रहा है. टेन ऑफ सॉर्ट्स और नाइट ऑफ सॉर्ट्स. तो आप फायर साइन है लिब्रास, और इस बार आपकी एनर्जी में बहुत ही सारा, सॉरी आप एयर साइन है और इस बार आपकी एनर्जी में बहुत सारा एयर आया है. लाइक हमें चार चार कार्ड्स एयर साइंस के दिख रहे हैं. जब एयर साइन आता है तो एक लाइफ का ऐसा स्टेज बताता है जहाँ पे हमें अपने दिमाग का यूज़ करना है, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करना है, अपने कम्युनिकेशन का यूज़ करना है. जब एयर साइन लोअर वाइब्रेशन में होता है तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम आती है मिसकम्युनिकेशन होना, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल, जिस जगह पे हमें प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं उस जगह पे इमोशनल होके सोचना, यू नो, और अपनी बातों में इतना रूड हो जाना कि लोग आपसे हर्ट हो रहे हैं, राइट? तो ये सब लोअर वाइब्रेशंस होते हैं एयर के. बट जो हायर वाइब्रेशन होते हैं, जो इस पर्टिकुलर फेज़ में लाइफ के आपकी सुपर पावर बन सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं प्रॉपर कम्युनिकेट करना, किसी को अपने कम्युनिकेशन से चार्म करना, जो भी मुंह से बातें निकल रही हैं मेक श्योर करना कि वो बातें हम अच्छी ही कर रहे हैं, किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर यू नो अननेसेसरी मिसकम्युनिकेशन या फिर डिबेट्स या आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ रहे हैं. फिर जहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग का पॉइंट आ रहा है, वहाँ पे हम अपने इंटेलेक्ट या ब्रेन या माइंड को यूज़ करके प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर फेज़ में आपको आगे ले जाएंगी या फिर आपके लिए अच्छी रहेंगी. अब जो सबसे पहले एनर्जी आई है वो पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है. पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी सबसे पहले हमें एक बात बोलती है, बिकॉज आप इस पेज ऑफ सॉर्ट्स को देखोगे ना, इस पेज ऑफ सॉर्ट्स का फेस बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है. पेज ऑफ सॉर्ट्स थोड़ा सा गुस्से में दिख रहा है. तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो गया है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कमिंग डेज में आप किसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहें. तो यहाँ पे थोड़ी नाराज़गी दिख रही है किसी के लिए, और स्पेशली ये कार्ड आके यहाँ पे ये बता रहा है कि किसी भी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े. बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे लिब्रास दिख रही है वो ये दिख रही है कि अगर किसी से बहस करने जाएंगे, किसी को गुस्सा दिखाएंगे, तो वो कनेक्शन और ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है या ख़राब हो सकता है. तो आपके लिए बस एक हेड्स अप है, ओके,
कि अपने गुस्से को थोड़ा सा हमें काबू में रखना है। और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स आके ये भी बता रहे हैं कि आप कुछ लोग आप में से ऐसा हैं जो किसी की लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं और किसी के बारे में जानना और समझना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर में किसी नई फील्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी नई जगह पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी टोटली नई इंडस्ट्री में आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और उस जगह के बारे में जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अपनी रिसर्च कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये जो इंटरेस्ट आपका दिख रहा है, ये क्यूरोसिटी दिख रही है, वो किसी पर्सन को लेके दिख रही है कि किसी पर्सन से बात होनी शुरू हुई, कोई पर्सन कहीं पर दिख गया और हमें उसकी लाइफ में इंटरेस्ट आने लगा और हम वो उसके बारे में चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी चीज़ पेज ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है। और यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे आप में से ऐसा लग रहा है कि आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आप किसी नए पर्सनल पाथ पे जा रहे हैं या फिर नए प्रोफेशनल पाथ पे जा रहे हैं, तो वो पाथ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आने वाला है। तो अगर ये रिसर्च या ये क्यूरोसिटी किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड है या पर्सन से रिलेटेड है, तो वो फील्ड, वो काम या वो पर्सन या वो सिचुएशन आपकी लाइफ में सॉलिड स्टेबिलिटी लेके आएगी। फॉर एग्जांपल कि आपका कोई नया फ्रेंड बना है, उस फ्रेंड से आपकी बातें शुरू हुई है, तो देर आर चांसेस कि उस पर्सन से आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए और ज़िंदगी भर आप उस पर्सन के फ्रेंड रहें। या फिर अगर किसी नए करियर में जाने के लिए क्यूरियस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि उस करियर में आप धीरे धीरे शुरुआत करें, एक छोटे लेवल से शुरुआत करें और आगे जाके उस करियर में आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएं या फिर आपको अच्छा पैसा आना शुरू हो जाए। तो जो भी ये चीज़ है जिसमें आप नया इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो चीज़ आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रही है। आप मुझे एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में दिख रहे हो लिब्रास, जस्टिस की एनर्जी में। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे दो चीज़ें बता रही है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप अपने ट्रू पावर में अभी स्टैंड कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ का ऐसा फेज दिख रहा है जहाँ पे आप पावरफुल महसूस करेंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस में स्टैंड करेंगे। तो जो भी चीज़ आप करने की कोशिश कर रहे हो या जहाँ पे भी आप लाइफ में अभी खड़े हो, वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो और पावरफुल एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। एट द सेम टाइम जस्टिस ये भी बता रहा है कि अभी आपकी लाइफ का ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आपने पास्ट के कुछ समय में शायद अपने बहुत सारे कर्माज रीपे किए होंगे और अभी जस्टिस एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में आया है। इवन दो यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स हैं जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम चल रही होंगी, कुछ लाइफ के एरियाज़ में प्रॉब्लम चल रही होगी, बट यहाँ पे जस्टिस आके ये बता रहे हैं कि आपका एक ऐसा टाइम शुरू हो रहा है जहाँ पे आपके अच्छे कर्माज आपको रीपे होंगे। इसीलिए जो आपकी एनर्जी है वो हायर वाइब्रेशनल एनर्जी मुझे दिख रही है। इवन दो ये हायर वाइब्रेशनल एनर्जी साथ में कुछ एंडिंग्स भी लेके आ रही है, बट ये अल्टीमेटली आपको बेनिफिट करने के लिए है। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन आपकी भी एनर्जी हो सकती है या फिर किसी और पर्सन की एनर्जी हो सकती है जो जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस है। ये कार्ड राइट अवे आके ये बता रहे हैं कि या तो आप किसी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस से डील करने वाले हैं इस महीने, या फिर आपके लिए आपका काम, आपका वर्क स्पेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। बिकॉज अगेन किंग ऑफ सॉर्ड्स हमें काम पे फोकस करना, इंटेलेक्ट डिसीजंस लेना और अपॉर्चुनिटीज़ काम में मिलना, ये सारी चीज़ें बताता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो कमिंग डेज़ हैं वो काम पे फोकस करने वाले होंगे, नई चीज़ें सीखने वाले होंगे और ख़ुद पे फोकस करने वाले ज़्यादा दिख रहे हैं। और ये इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है किसी एंडिंग से। इट्स लाइक के ये एंडिंग कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ गलत हो गया है आपके साथ में, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक के टेन ऑफ सॉर्ड्स एक फेज का एंड होना बता रहा है या फिर एक मुश्किल सिचुएशन का एंड होना बता रहा है, एक मुश्किल टाइम का एंड होना बता रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। और अगर आपका इस टाइम पे
किसी फैमिली मेंबर से झगड़ा होता है, किसी फ्रेंड से झगड़ा होता है, किसी से भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी रहेगा. बिकॉज अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एंडिंग के बाद आप बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो रहे हो, और मतलब किसी ने आपको हर्ट किया है. बेसिकली एंडिंग नहीं बोलना चाहिए हमें, हमें ऐसा बोलना चाहिए कि किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको कुछ बोल दिया है. और वो चीज़ सुनने के बाद आपको लग रहा है कि अब मुझे अपने पावर में स्टैंड करना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है या खुद पे फोकस करना है, यू नो. तो ये चीज़ दो वेज जा रही है. एक वे ऐसी जा रही है कि आप इस ये पेन फील करने के बाद में खुद को लेके ज़्यादा सीरियस हैं, अपने करियर को और अपने ड्रीम्स को लेके ज़्यादा सीरियस हैं. दूसरे वे इधर जा रही है कि आप उस पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, गुस्सा है आप उस पर्सन से, आप उस पर्सन से लड़ना चाहते हो, अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि उस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, जो कि हमें नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बता रही है. तो जैसे मैंने बताया था कि एयर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके कार्ड्स में अभी लिब्रास, तो ये चीज़ें दोनों वेज जा सकती हैं. आप या तो इस हर्ट या पेन को अपना सुपर पावर बना के यूज़ कर सकते हो, एनर्जीज़ को इस तरीके से चैनल करें कि अपना पूरा फोकस खुद पे ले आए, या तो दूसरा वे है कि आप अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े में पड़े. तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रास्ता चूज़ करते हैं. बट बेसिकली मुझे यहाँ पे दो सॉलिड चीज़ें दिख रही हैं कि अगर आप अपने ड्रीम्स पे, गोल्स पे या करियर पे फोकस करोगे, या फिर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ किसी पर्सन के थ्रू आ रही है, कोई नई फ्रेंडशिप हो रही है, कोई नया कोलैबोरेशन हो रहा है, उस पे फोकस करोगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी तक लेके जाएगी और एक बैलेंस क्रिएट करेगी, राइट. यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है. द हाई प्रीस्टेस बॉटम ऑफ द डेक में आके ये बता रहा है कि आपका इंट्यूशन या फिर यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं लिब्रास. हो सकता है आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हों, हो सकता है कि आपका इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, सकता है कि टैरो रीडिंग के थ्रू आपको बहुत ही मेजर मैसेजेस मिले इस बार. तो यहाँ पे योर इंट्यूशन या फिर यूनिवर्स इज़ स्पीकिंग टू यू लिब्रास, ठीक है, आपसे यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्स. मुझे आप में से सारे लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि करियर में आप जहाँ भी स्टैंड कर रहे हो ना, उससे एक लेवल आप ऊपर ही जा रहे हो. बिकॉज़ यहाँ पे करियर में आपकी सॉलिड ग्रोथ दिख रही है, जो हमें किंग ऑफ सॉर्ट्स और टेन ऑफ पेंटिकल बता रहा है, राइट. ओ, नाइट ऑफ कप्स, ओके. कितने सारे लोग हैं लाइफ में लिब्रास, ये बताइए पहले. तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है और टू ऑफ कप्स आया है. बेसिकली थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पे रिपीट हो रही हैं. द एम्परर आया है, किंग ऑफ कप्स आया है, इसीलिए पूछ रही थी कि कितने सारे लोग हैं. ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पे लोग बहुत सारे हैं आसपास. टू ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है कि आप अभी ना बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस फील कर रहे हो. इट्स लाइक कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड दिख रही है. शायद आप बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हो, आप इससे भी बात कर रहे हो, उससे भी बात कर रहे हो, या फिर अभी एक ऐसा पॉइंट चल रहा है जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह पे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स चल रहे हैं ना, या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए भी आप दोनों एनर्जीज़ में जगल करते हुए दिख रहे हो, जो कि बैलेंस आउट भी होते हुए दिख रही है. अब सबसे पहले यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है और टू ऑफ कप्स आया है. बहुत ही प्यारा सा एक रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है. अगेन मैं ये नहीं बोलूँगी, बिकॉज अभी हम आपके जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपनी लव लाइफ देखने आए यहाँ पे. और इन दैट केस ये कार्ड बता रहा है कि ये देखिए, ये नाइट ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स के बाद टू ऑफ कप्स आया है. मतलब कि किसी पर्सन के साथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा है आपका लिब्रा. अगेन ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, ये कोई ऐसी फ्रेंडशिप यहाँ पे फॉर्म हो रही है जो लाइफ टाइम चलेगी. ये पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे दिस इट्स लाइक कि ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है अभी, ये यूनिवर्स
की ब्लेसिंग है आपके लिए, या फिर आपकी डेस्टिनी में लिखा है इस पर्सन से मिलना, या फिर इनके साथ में एक बॉन्ड कनेक्शन फॉर्म करना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी टफ टाइम्स आप गुजर रहे हो लिब्राज, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप खुद किसी पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है और आप में इंटरेस्ट ले रहा है यहाँ पे। तो बहुत ही इमोशनल फुलफिलमेंट भी दिख रहा है। और मुझे अभी समझ में आ रहा है कि ये जो जस्टिस है, अब बॉटम ऑफ द डेक में हमने टू ऑफ पेंटिकल देखा था, तो समझ में आ रहा है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए ही बहुत अच्छा समय चल रहा है। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ी सी बीमार हूँ और मेरे गले में प्रॉब्लम है और मैं प्रॉपरली बोल नहीं पा रही हूँ, सो शायद आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है। अब यहाँ पे द एम्परर है और किंग ऑफ कप्स है। अगेन एम्परर बता रहे हैं कि आप बहुत ही चार्मिंग एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो, इसीलिए आपको लोग पसंद कर रहे हैं लिब्रास। कुछ चार्म है आप में, कुछ ऐसा लग रहा है कि मतलब आप, जैसे मैंने पहले भी आपको वो बताया था कि आप हायर वाइब्रेशन में दिख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ चार्म दिख रहा है आपके ऑरा में, और इसीलिए ये तरीके तरीके के आर्क टाइप हमें दिख रहे हैं जो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक फेवरेबल टाइम दिख रहा है कमिंग डेज में, और दिख रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी आपको मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि रैंडम लोग आपको प्रेस कर रहे हैं या फिर हेल्प कर रहे हैं आपकी आके, और आप मैच्योर भी हो रहे हैं लिब्राज। ऐसा लग रहा है कि आप मैच्योर एनर्जी में जा रहे हैं, ये ट्रांजिशन है लाइफ में जहाँ पे आप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव में जा रहे हैं और मैच्योर हो रहे हैं। यहाँ पे एक और कोई पर्सन अगेन यहाँ पे कप्स दिखाए हैं, देख रहे हो आप, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, टू ऑफ कप्स है। यहाँ पे आप इमोशनली बहुत ही ओवरवेलमिंग फील करने वाले हो इन अ गुड वे, बिकॉज अगेन कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखता है। बट ये पर्सन ऐसा भी दिख रहा है एट द सेम टाइम जो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहा हो। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत टाइम से आपकी लाइफ में है बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। बिकॉज अगेन यहाँ पे जो आपके कार्ड्स हैं ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ही मैच्योर एनर्जीज हैं और मिस्टीरियस एनर्जीज़ हैं। इट्स लाइक कि जब किंग ऑफ कप्स होता है तो ये आपके लिए बहुत सारा ज़्यादा हो सकता है कि इमोशंस रखे बट आपको अचानक से बताएं ना, ये ऐसा पर्सन नहीं है कि आपके लिए फ़ील किया और बोल दिया कि आई लाइक यू या आई मिस यू आई लव यू। ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस है जो अपने इमोशंस को सिर्फ खुद तक ही रखता है और इस पर्सन को टाइम लगता है ओपन अप होने में। और अगेन ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, अच्छी कोई बॉन्डिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव रिलेशनशिप ही हो, या फिर हो भी सकता है आपकी लव रीडिंग में देखेंगे। बट यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है आपका। यहाँ पे तो फूल की एनर्जी है, एक नई साइकिल में आप जा रहे हैं। द फूल 10 के बाद में आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद में। जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स पेन बता रहा है या फिर कुछ एंडिंग्स बता रहा है, वहीं पे द फूल बिगनिंग भी बता रहा है वापस से। अगर अगेन किसी से मिसकम्युनिकेशन हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो वो रिजॉल्व होके आप एक नए फेज में जा सकते हैं उस पर्सन के साथ में। द फूल ये भी बता रहे कि लाइफ में बहुत सारी न्यूनेस आ रही है और लीप ऑफ फेथ लेना या फिर यूनिवर्स में फेथ रखना, यूनिवर्स को सरेंडर करना और उनके प्लान के अकॉर्डिंग लाइफ में आगे बढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पे आपके सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं। जो काम बिगड़े हैं वो भी बनते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऑलमोस्ट रीडिंग अनरियलिस्टिक लग रही है लिब्रास, और मिराकल्स दिख रहे हैं आपकी लाइफ में होते हुए। बिकॉज मैं क्यों मिराकल्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि सारी एनर्जीज आपके फेवर में आ रही, इवन दो आपका पास्ट ईजी नहीं दिख रहा है मुझे। ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए पास्ट ईजी रहा हो, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है, एटलीस्ट कमिंग फ्यू डेज़ की। सो क्लेम दिस एनर्जी। यहाँ पे फोर ऑफ वांड्स का कार्ड भी है। फैमिली में कुछ इवेंट हो सकते हैं, कुछ गेट टुगेदर हो सकते हैं, शायद आप किसी रिलेटिव के घर जाएं या फिर फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करें या फिर कहीं पे ट्रैवल करें, कहीं पे हैंग आउट करें, किसी की शादी में जाए या फिर आपकी शादी की कुछ बातें फिक्स हो जाएं, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो अपने आसपास के लोगों के साथ में लिब्रास। क्या बात है, मज़ा आ गया आपकी एनर्जीज देख के, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। I'll take few मूव कार्ड्स के यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस पॉइंट पे आके। क्लेम दिस एनर्जी, नहीं हुई है तो हो जाए, मतलब कि सच में जल्दी से हो जाए आपके लिए।
वी हैव क्लाइमेट ट्रांजिट. ओके ओके, क्लाइमेट मौसम बदल रहा है आपकी लाइफ का. होम फोर्थ हाउस. ओके, सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल से रिलेटेड है. मैसेजेस. ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड, सॉरी आई एम फंबलिंग, जो हमारा फर्स्ट कार्ड है वो क्लाइमेट का कार्ड है. ट्रांजिट लिखा हुआ है क्लाइमेट के कार्ड के ऊपर. ये कार्ड बेसिकली ये बता रहा है कि आप ट्रांजिशन के पीरियड में हैं, मतलब एक मौसम से निकल के आप दूसरे मौसम में जा रहे हैं, जैसे कि हम गर्मी से निकल के बारिश के मौसम में जा रहे हैं, राइट. तो ये क्लाइमेट या फिर ये जो चेंज है, ये ट्रांजिशन है, ये बता रहा है कि जो भी परेशानियां हैं, चाहे कोई बड़ी परेशानी है या फिर कोई छोटी परेशानी है, या फिर अगर लंबे टाइम से कोई स्टैग्नेशन चल रहा था या फेस चल रहा था जिससे आप छुटकारा पाना चाहते थे, तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं और आपके फेवर में जा रहे हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी लाइफ का जैसे मौसम बदल रहा है और चीज़ें बेटर हो रही हैं, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का कार्ड है जो कि बता रहा है कि जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, जो भी एनर्जीज आपकी लाइफ में चेंज हो रही है, जो भी लोग इस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी करियर आप चुन रहे हैं इस टाइम पे लाइफ में, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल और स्टेबल होने वाली है. मतलब कि जो भी अभी ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में रहेंगी, जो भी लोग आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म रहेंगे, जो भी करियर में आप कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है. अब तो अभी जो नेक्स्ट साइकिल आ रही है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म और अबंडेंट साइकिल आपकी लाइफ की होने वाली है, जो धीरे 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 करके आपकी लाइफ के लेवल को ऊंचा कर दी जाएगी, यू नो. तो आप अगर यहाँ पे फाइनेंशियली आप यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, सेम पाथ पे चल के आप वहाँ पे पहुँचते हुए दिख रहे हैं. तो अभी जो भी नई शुरुआत हो रही है वो आपके लिए बहुत ही लॉन्ग टर्म चलने वाली है. यहाँ पे फोर्थ हाउस है होम का. ये कार्ड बता रहा है कि घर से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं कमिंग टाइम में, जैसे कि शायद आप अपना घर चेंज करें, या फिर आप अपने घर का इंटीरियर चेंज करें, आप शादी कर लें, यू नो, अपना घर शिफ्ट कर लें, किसी और शहर में चले जाएं. तो फैमिली से रिलेटेड या घर से रिलेटेड भी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है. आपका घर, आपका फोर्थ हाउस, आपकी पर्सनल लाइफ, आपके घर में होने वाली सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे भी चेंज आते हुए दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज. ओके, और उसके बाद यहाँ पे मर्क्यूरी मैसेंजर का कार्ड आया, और जैसे हमने हाई प्रीस्टेस को देखा था, अभी ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे और मैसेजेस दिखेंगे यूनिवर्स के. यूनिवर्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं. ओके, और हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको कोई पर्सन भी दे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे, किसी के बारे में आपको कुछ पता चले, किसी की फीलिंग्स के बारे में, या फिर ये कोई जॉब की न्यूज़ हो सकती है, पैसों की न्यूज़ हो सकती है. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, किसी भी मैसेजेस को इग्नोर ना करें. ओके, कुछ और गाइडेंस के कार्ड लेते हैं, फिर आपकी लव रीडिंग करेंगे. लिब्रास, वी हैव क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट. लर्न फ्रॉम लाइफ रिवर्स में आया है. वैसे इस डेक में रिवर्सल लेते नहीं हैं, बट अगर हम रिवर्स में भी इसको देखें तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपको लाइफ से लेसन्स लेने हैं और लेसन्स लर्न करने हैं. लाइफ आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है. और अगर रिवर्स में भी देखेंगे तो शायद कुछ लोग सीख नहीं रहे हैं, इसीलिए रिवर्स में आ गया ये कार्ड. तो लाइफ आपको कुछ लेसन्स देने की कोशिश कर रही है. लाइफ आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी कर रही है, और आपको लाइफ सिखा रही है कि पुरानी गलतियों को आप रिपीट ना करें. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस. यहाँ पे पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं लिब्रास, जिन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपने उन चीज़ों से पीस नहीं बनाया है. तो जो पास्ट की चीज़ें हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, बिकॉज आप एक नए जोन में एंटर कर रहे हैं, एक नए मौसम में, एक नए सीज़न में अपनी लाइफ के एंटर कर रहे हैं. इसीलिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो क्लेंजिंग बॉडी एंड स्पिरिट आया है, कि पुरानी चीज़ें रिलीज़ करके
और अपने माइंड बॉडी और सोल को रिफ्रेश करके आगे बढ़ना है आपको. मेक अ मूव है बॉटम ऑफ द डेक में, कुछ एक्शन लेना है आपको अपनी लाइफ में. ओके सो ये जो कार्ड्स हैं हीलिंग वाले, लेटिंग गो वाले, वो इतने कॉन्स्टेंट आते हैं हमारी रीडिंग में. और यूनिवर्स हमें ये चीज़ शायद से हमेशा एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि लाइफ में हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है, किसी भी पुरानी सिचुएशन में स्टक नहीं रहना है, क्योंकि हर एक आगे बढ़ने वाला स्टेप एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता ही आता है, राइट? तो पुराने में स्टक ना रहें, खुद को एक नई लाइफ के लिए रेडी करें जहाँ पे चीज़ें बहुत ही प्यारी होते हुए दिख रही हैं. चलिए अब आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स लेते हैं. एस ऑफ कप, हाई प्रीस्टेस, डेथ, आपकी लव लाइफ में बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस इतना क्लियर दिख रहा है ना इस बार. किंग ऑफ कप्स दोबारा से आया है, देखिए. गिव मी अ मोमेंट टू ड्रिंक वाटर, फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ. ओके लिब्रास, क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आपकी एनर्जी को मैं नोटिस कर रही हूँ, इस बार भी एनर्जी आई है. ये एनर्जी न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है और डेथ की एनर्जी है. और ये जो दोनों पोजीशन से कार्ड की, वो प्रेजेंट के टाइम की पोजीशन है. मतलब या तो ये चीज़ हो चुकी है या होने वाली है, बट दोनों चीज़ें एक साथ ही होते हुए दिख रही हैं. इट्स लाइक कि कुछ ख़त्म हो रहा है और फिर तुरंत बाद कुछ शुरू हो रहा है. मतलब डेथ बता रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम एस ऑफ कप्स बता रहा है कि कुछ शुरू भी हो रहा है. तो आई एम सॉरी, अगर आप डेथ की एनर्जी में अभी हैं तो ये समझ जाइए कि जो नई शुरुआत है वो बहुत ही जल्दी होने वाली है, क्योंकि दोनों एनर्जी हमें साथ में दिख रहे हैं. तो या तो किसी के साथ में कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या तो कुछ नया कनेक्शन शुरू हो रहा है, या तो आपके पास ऑप्शंस थे लिब्रास, बिकॉज मुझे आपकी एनर्जी फील्ड में इतने सारे सूटर्स दिख रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, तो हो सकता है कि आप एक ऑप्शन को रिजेक्ट करें और दूसरे ऑप्शन को बहुत ही जल्दी सिलेक्ट करें. ऐसी एनर्जी भी आप में से बहुत सारे लोगों की हो सकती है, बिकॉज सी ये दोनों एनर्जी साथ में ही आई हैं. और ये दोनों एनर्जी हमने यहाँ पे भी देखी थी जब टेन ऑफ सॉर्ड्स आया था जो एंडिंग बता रहा था, और द फूल उसके डायरेक्ट नीचे आया था जो न्यू बिगनिंग्स बता रहा था. तो ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ें लूज तो कर रहे हो लव लाइफ में, बट वो चीज़ें और बेटर चीज़ों से रिप्लेस हो रही हैं लिब्राज. यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस भी है जिसने सपोर्ट किया है एस ऑफ कप्स को. हाई प्रीस्टेस अगेन यहाँ पे आके दो चीज़ें बता रही है. एक चीज़ ये है कि आपका इंट्यूशन, अगेन यूनिवर्स और आपका इंट्यूशन आपको साइन देने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में कि किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है या फिर क्या करना है. दूसरी चीज़ कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ में आपका एक नया कनेक्शन शुरू हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं आपके साथ में. अभी पूरे तरीके से ओपन अप नहीं है, मिस्टीरियस सी एनर्जी है इनकी, सारी बातें आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं. ये कार्ड्स मैं पहले भी आपके लिए देख चुकी हूँ और मुझे अचानक से डेजा वू हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इस एनर्जी में कुछ महीनों से हैं. और ऐसा पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है कि डेथ की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स की एनर्जी है तो कुछ दिनों में ही मैनिफेस्ट हो जाए. कई बार क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है तो कुछ महीनों तक चलती है, फिर फाइनली आप इससे निकलते हैं और फाइनल एक नई शुरुआत होती है. कई बार ऐसा होता है कि हम बीच में ही अटके रह जाते हैं रीबर्थ और डेथ के बीच में, राइट? तो यहाँ पे दिख रहा है हाई प्रीस्टेस से कि हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो, अभी आपको खुल के चीज़ें नहीं बता रहे हो.
और अभी जो आपके एनर्जी में आपकी स्ट्रेंथ की पोजीशन पे जो कार्ड आया है कि आपकी हिम्मत क्या है या फिर आपकी स्ट्रेंथ क्या है या फिर आपको क्या करना चाहिए आपकी लव लाइफ में, तो फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कुछ भी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी गो विद द फ्लो। तो ये कार्ड बता रहे कि आपको जल्दबाजी में कुछ भी लव लाइफ में अपने एक्शन नहीं लेने हैं, सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग के साथ अनफोल्ड हो रही हैं, तो रश नहीं करना है। अभी ये टाइम है आराम करने का, हील करने का, पुरानी चीज़ों से नए ड्रीम्स देखने का, बट एक्चुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का कार्ड नहीं है ये, बिकॉज़ सारी चीज़ें ऑलरेडी फ्लो में चल रही है आपकी लव लाइफ में। विद टाइम सारी चीज़ें अपने आप रास्ते पे या ट्रैक पे आ जाएंगी लिब्राज। ओके, सो आपको कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। पास्ट में मुझे दो कार्ड्स दिख रहे हैं, एक फोर ऑफ कप्स दिख रहा है, एक एट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। सबसे पहले एट ऑफ पेंटिकल आया था, बहुत मेहनत की है आपने किसी कनेक्शन के लिए पास्ट में और अपने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए, कुछ काम आप करने की कोशिश कर रहे थे, आप कुछ काम बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट जो भी आपने क्रिएट किया या फिर जो भी उस काम का आउटकम आया, आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो। इट्स लाइक कि आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, कम्युनिकेशन पास्ट में अच्छी चल रही है, आप एफर्ट लगा रहे हो, बट वो पर्सन उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जिस तरीके से आप चाहते हो, या फिर उस पर्सन का रिएक्शन एग्जैक्टली वैसा नहीं है, थोड़ा अपोजिट है, या फिर इस पर्सन से अच्छी बात तो हो रही है पर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिसके कारण आप ऐसे अपने सर पे हाथ रख के बैठे हुए हो, और दूसरे जो लव लाइफ में ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें भी आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये आई एम सॉरी मुझे यही पर्सन चाहिए जिस पर मैं तब से एफर्ट लगा रहा हूँ या एफर्ट लगा रही हूँ, राइट। तो ऐसी कुछ आपकी एनर्जीज दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल दिख रहा है ना पास्ट में, यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये जो विच है, यहाँ पे कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, राइट। ये अकेले में कोई रेसिपी बना रही है, मतलब कि ये अपने एफर्ट लगा रही है। एट ऑफ पेंटिकल का टिपिकल टैरो रीडिंग में आना मतलब कि ये बताता है कि आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, अपना एफर्ट लगा रहे हो या अपना 100% दे रहे हो। अब यहाँ पे आपकी एनर्जी में फाइव ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, यहाँ पे भी कुछ बन रहा है, राइट। ऐसा लग रहा है कि आप जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिस एनर्जी को आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो रेसिपी बिगड़ गई, ख़राब हो गई है फॉर सम रीज़न, और कुछ लोगों ने इंटरफेयर किया है। आप ये जो भी काम बनाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे और लोग आए, सब अपने अपने सजेशन देने लग गए आपको या आपके पर्सन को, या फिर इस रिलेशनशिप में सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने लगे, और उस कारण आप जैसी रेसिपी क्रिएट करना चाहते थे वैसी नहीं हो पाई। यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है, दूसरा भी पर्सन दुखी है, पर थर्ड पर्सन इस काम के बिगड़ने से खुश हो रहा है, और यहाँ पे ये किसी थर्ड पर्सन की टॉक्सिसिटी यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है कि इस कनेक्शन को किसी थर्ड एनर्जी ने इन्फ्लुएंस किया हो, जैसे कि आपके पर्सन के फ्रेंड्स, कोई और पर्सन, उनकी फैमिली, और यहाँ पे भी इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर कनेक्शन लिब्रास, मतलब कि यहाँ पे लोग आपस में आपके कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके पर्सन के फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ना लोगों का इंटरफेरेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, और इसीलिए आप बार बार डिसअपॉइंट होते हो। आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है पर कोई ना कोई पर्सन आके सारी चीज़ें ख़राब कर देता है, या किसी ना किसी थर्ड पर्सन की वजह से चीज़ें बार बार ख़राब हो जाती हैं। वो आपकी एनर्जी, वो आपकी थिंकिंग आप में से बहुत सारे लोगों की दिख रही है कि काम गड़बड़ हो गया या काम ख़राब हो गया। अब ये काम वापस से बनाने का ट्राई अभी नहीं करना है आपको, बिकॉज यहाँ पे फोर ऑफ सॉर्ड्स आया है, राइट। ये रेस्टिंग की एनर्जी है, ये नो एक्शन जोन है आपकी लव लाइफ के लिए। तो अभी वापस से एफर्ट लगाने शुरू नहीं करना है, थोड़ा टाइम देना है। और आपके पर्सन की साइड से थ्री ऑफ पेंटिकल आया है, ओके। आपके ये जो यहाँ पे पर्सन दिख रहे हैं, कौन से पर्सन हैं कहना ज़रा मुश्किल है, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगेन आपके साथ में कुछ एस्टैब्लिशमेंट रखना चाहता है, कोई रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है और सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहता है। तो जिस पर्सन, मुझे लग रहा है जिस पर्सन के लिए आप एफर्ट लगा रहे हो, वो भी आपके लिए फीलिंग्स तो रखता है और वो भी चाहता तो है कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल हो,
और मुझे बहुत ही एक साइड नोट यहाँ पे समझ में आ रहा है कि शायद से जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन सक्सेसफुल हो, पर एट द सेम टाइम वो इनके आसपास के लोगों को भी खुश रखना चाहते हैं. तो किसी के लिए क्लासिक फैमिली मैटर हो सकता है, जहाँ पे आप किसी को पसंद करो, कोई आपको पसंद कर रहा है बट उनकी फैमिली नहीं मान रही, आपकी फैमिली नहीं मान रही, यू नो. बट ये पर्सन चाहता है कि अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहें तो सारे लोग आपके आसपास वाले खुश रहें और अग्री रहें इस कनेक्शन के लिए. विच इज़ अगेन अ वेरी वियर्ड एनर्जी. सबके लिए साइड नोट नहीं है, बट जिनके लिए है वो समझ गए होंगे. आज मेरे लिए बोलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. फ्यूचर में एस ऑफ पेंटिकल आया है और नाइन ऑफ कप्स आया है. एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है अपॉर्चुनिटी मिलना फ्यूचर में. एज यूजुअल फ्यूचर के कार्ड बहुत ही अच्छे आए हैं. क्लेम दिस एनर्जी. ज़रूरी नहीं है कि इसी महीने मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि फ्यूचर है, सबके लिए अलग अलग टाइम पे मैनिफेस्ट होगा. बट ये होप को लूज़ नहीं करना है, ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है कि मैम ने पिछले महीने भी बोला था कि सब कुछ अच्छा होगा, अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ. यू नो, डोंट एक्ट लाइक दिस, बिकॉज ये एनर्जीज सबके लिए अलग अलग टाइम पे मैनिफेस्ट होंगी. फ्यूचर है, अगले महीने भी हो सकता है, छः महीने बाद भी हो सकता है, यू नेवर नो. बट अभी मेन चीज़ फोकस करने वाली क्या है कि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपनी विश को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी. तो फ्यूचर में आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फुलफिल्ड फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में. ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही हैं. और आउटकम में भी दो कार्ड्स हैं. आउटकम का एक कार्ड बता रहा है वापस से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई, और आउटकम में किंग ऑफ कप्स आया. तो ये पर्सन आपके आउटकम में भी दिख रहा है, जो जिसे आप पसंद कर रहे हैं, जो आपको पसंद कर रहा है, जिसके लिए ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी. सो आप में से बहुत सारे लोग उस पर्सन के साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आ रहे हैं जिनके साथ आप आना चाहते थे, बिकॉज यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है. मतलब कि जो भी आपको लव लाइफ में फाइनली मिल रहा है वो ऐसी चीज़ मिल रही है, आप उस पर्सन के साथ फ्यूचर में रह रहे हैं जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, चाहे वो फिर प्रेजेंट पास्ट कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करें, बट यहाँ पे फ्यूचर आपके मर्जी के मुताबिक ही हो रहा है. ओके, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है. ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ तब अच्छी हो रही है जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चल रही है. आप दोनों जगह पर साथ में ब्लूम करते हुए दिख रहे हो आउटकम में, जहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी है. दोनों एनर्जी साथ में आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है. अब देखते हैं कि यूनिवर्स को क्या बोलना है इस कनेक्शन के बारे में. ओ ओ ओ ओ, ओ ये तो मुझे नई चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे एकदम. हो सकता है लिब्राज आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, बिकॉज यहाँ पे डेविल आया हो. और थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब नॉट नेसेसरली कोई थर्ड पर्सन, अगेन ये तीसरा पर्सन जो डेविल है, या आप दोनों के बीच में जो आ रहा है डेविल, ये कोई भी हो सकता है. आपकी फैमिली, इनकी फैमिली वगैरह वगैरह, इनकी वर्क लाइफ, घर की टेंशंस, यू नो, कुछ भी हो सकती है जो यहाँ पे डेविल एनर्जी में दिख रही है. ये डेविल एनर्जी जो है, ये थर्ड एनर्जी है, ये थर्ड एनर्जी आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टकनेस लेके आई है. देखिए, आपके पर्सन स्टक दिख रहे हैं या फिर आपका कनेक्शन स्टक दिख रहा है. किस वजह से दिख रहा है? इस डेविल एनर्जी की वजह से स्टक दिख रहा है, राइट. और उसके बाद यहाँ पे डिसीज़न मेकिंग का कार्ड है. यहाँ पे आपके पर्सन को कोई डिसीज़न लेना है या आपको कोई डिसीज़न लेना है, उसके बाद ही सिचुएशंस अनस्टक होंगी. किसी को कोई डिसीज़न लेना है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद यहाँ पे सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जी है. रेजिस्टेंस दिख रहा है अभी इस कनेक्शन में. मतलब कि इवन दो आपके पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रख रहे हैं, इमोशंस रख रहे हैं, पर रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए. मतलब चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं इनके हिसाब से कि ये आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट दें या फिर बात मैरिज या वेडिंग तक जाए. और यहाँ पे भी टेन ऑफ सॉर्ट्स आया है, जो हमने यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी देखी थी, राइट. हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो. ओके यूनिवर्स, कुछ और कार्ड्स दीजिए हमें लिब्रा की लव लाइफ के लिए. उसके बाद मैं बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं, और उसके बाद हम अल्फाबेट्स भी देखेंगे. ओके, और इस रीडिंग से इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब एंड शेयर वगैरह वगैरह, यू नो द ड्रिल, राइट. सो
क्या ये नो ओ रिकंसिडर ओके वेट ट्रस्ट वाओ देखिए वेट का तो हम पहले से ये फोर ऑफ शॉर्ट्स से डिस्कस ही कर रहे थे ना कि आपको इंतज़ार करना है अभी वेट करना है तो कुछ भी जल्दबाजी मत करिए। रिकंसिडर आपको दोबारा से रिकंसिडर करना है। आपने ऐसा लग रहा है कि आपने एक अपना परसेप्शन या सोच बना ली है इस कनेक्शन में लिब्रास, उस सोच को आपको रिकंसिडर करना है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपको एग्जैक्टली अभी पता हो, बहुत सारी चीज़ें हिडन भी हैं बिकॉज द हाई प्रीस्टेस आई है। तो जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसे दोबारा से सोचिए, इंतज़ार करिए और यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। ओके चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पे वर्गोस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं, कन्या राशि है यहाँ पे, कैप्रिकॉन स्ट्रांग दिख रहे हैं, मकर राशि है, स्कॉर्पियोज स्ट्रांग दिख रहे हैं, वृषभ राशि है, और यहाँ पे कैंसेरियंस दिख रहे हैं कर्क राशि, पाइसिस दिख रहे हैं मीन राशि, उसके बाद यहाँ पे जेमिनाइज दिख रहे हैं मिथुन राशि, आपके पर्सन भी लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस दिख रहे हैं कुंभ राशि, टॉरस दिख रहे हैं वृषभ राशि, या यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी है। ओके यहाँ पे सिंह राशि भी है। हो सकता है आपके पर्सन स्पेक्स लगाते हो। ओ काफ़ी सारे अल्फाबेट्स हैं, आपको आपका नाम या आपके पर्सन का नाम मिल सकता है। यहाँ पे है एन डब्ल्यू ई यू टी एस बी वाई ओ ई के ए Z N H O यहाँ पे ब्लैंक है। तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हो। ओके एंड देन वी हैव R एंड L एंड T U O L I एंड L। तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे लिब्रास। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।